ऑनेस्टली जब पहले हम लोग आते थे तो इससे 1/3 मीडिया होती थी आधी, और बस डबल ट्रिपल इज एक्सपेंडिंग, सो थोड़ा नर्वस होता है कभी कभी. एक्चुअली पिछले 2 सालों में जो पूरा वेब का कंटेंट एक्सप्लोड हुआ है, आई हैव नॉट सीन ऑनेस्टली इंडियन वेब सीरीज़, मैंने बहुत सारे नहीं देखे हैं. मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ आद एपिसोड्स, थोड़े बहुत क्लिपिंग्स दिखाए हैं. आई विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ इट, बट आई थिंक पीपल आर डूइंग अ फैंटेस्टिक जॉब इन इंडिया विद द वेब कॉन्टेंट. आई थिंक सम ऑफ द वेब कॉन्टेंट इज, इफ आई कैन से दैट, सुपीरियर टू मूवी कॉन्टेंट ऑल्सो. I would like to say that, you know, we as a humanity, as a race, we must move towards a situation where in our heart, in our mind, we feel compassionate and a general sense of brotherhood with the entire race, regardless of their sexual orientation, lifestyle choices. As long as they're not harming somebody else with their actions, we have to move to a society where we live and let live. We have to move ahead of judgment. So I think this change, the decriminalization, is a step in that direction. Because with judgment comes condemnation, with condemnation comes harassment. That's not the sign of a progressive society. So, yeah. एक्चुअली सोशल मीडिया में मुझे उतना इंटरेस्ट था नहीं पहले, बट अभी थोड़ा थोड़ा होने लगा है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, इंटरेस्ट भी है, तो दैट्स व्हाट इट इज़. थैंक यू.